तो यार क्या हाल चाल है। अब पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। डेडपूल 3 से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स हैं, शांगची मूवी के सीक्वल के बारे में भी अपडेट है, और सुपरमैन लेगेसी में कुछ नए एक्टर्स को कास्ट किया गया है कुछ नए सुपर हीरोज के लिए। तो ऐसे ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आज देखेंगे हम आईसी न्यूज के इस नए एपिसोड में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेडपूल 3 से। तो डेडपूल 3 की कुछ सेट पिक्चर्स बाहर आई हैं जिसमें डेडपूल के साथ ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन दिख रहे हैं, और वुल्वरीन यहाँ पर अपने कॉमिक्स वाले क्लासिक येलो सूट में दिख रहा है। मतलब यार इस सूट में ह्यूज जैकमैन को देखने के लिए फैंस को 20-22 साल लग गए, और ट्रू एक्समैन मूवी फैंस के लिए काफी स्पेशल चीज होने वाली है। कुछ पिक्चर्स में डेडपूल और वुल्वरीन के फाइट सीन शूट हो रहे हैं, यानी दोनों के बीच मूवी में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जिसके लिए अनाउंसमेंट के टाइम ह्यूज जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स ने हिंट्स भी दी थी। इसके अलावा एक पॉसिबल स्पॉइलर और भी है, अगर नहीं चाहिए तो वीडियो को 50-60 सेकंड आगे बढ़ा दो। बढ़ा दिया तो इन्हीं सेट पिक्चर्स में से एक में 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियोज का डिस्ट्रॉयड लोगो दिख रहा है। इससे एक थ्योरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि शायद डेडपूल 3 में डेडपूल किल्स मार्वल यूनिवर्स स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाए, जहां वो फॉक्स मार्वल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करे, यानी पुरानी फॉक्स की जो मार्वल मूवीज हैं उनकी टाइमलाइन में जाकर डेडपूल उन पुराने सुपर हीरोज को मारे। या फिर ये भी हो सकता है कि मूवी में टीवी इन्वॉल्व है तो ये डिस्ट्रॉयड लोगो वॉइड में पड़ा हो, जैसे लोकी सीरीज में कई सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले थे वहां पर। खैर वुल्वरीन को इस सूट में देखकर दिल खुश हो गया, और ऊपर से डेडपूल मल्टीवर्स एक्सप्लोर करेगा तो फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कई सारे जोक्स मारेगा, तो लग रहा है काफी ऑसम मूवी होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज भी डेडपूल 3 से ही है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पुराने फॉक्स मार्वल यूनिवर्स की एक और कैरेक्टर इलेक्ट्रा की एंट्री डेडपूल 3 में होने वाली है। इलेक्ट्रा को एक्ट्रेस जेनिफर गार्नर ने 2003 और 2005 में प्ले किया था। अब अगर इलेक्ट्रा मूवी में होने वाली है तो डेडपूल 3 में बेन एफ्लेक के डेयरडेविल के अपीयर होने के रूमर्स जो थे उसके सच होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि 2003 में बेन एफ्लेक की डेयरडेविल में इलेक्ट्रा भी थी, तो दोनों का इस मूवी में एक साथ अपीयर होने का सेंस भी बनता है। अब अभी तक जितनी भी डिटेल्स डेडपूल 3 मूवी के बारे में पता चली है वो ये है कि इसमें डेडपूल केबल के टाइम ट्रेवल डिवाइस को फिर से यूज करेगा, टीवी वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे, ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन का भी काफी बड़ा रोल है, और साथ में पुरानी वाली स्टॉर्म, प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के अपीयर होने के भी रूमर्स हैं। तो इसका मतलब ये मूवी भी नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज को फीचर करेगी और ऑडियंस के नॉस्टैल्जिया को एक बार फिर से कैश कराने की कोशिश करेगी। और मैं तो चाहता हूं कि अगर मार्वल वाले बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कराना चाहते हैं हम लोगों को तो निकोलस केज के घोस्ट राइडर को भी डेडपूल 3 में दिखा दे, मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में स्टैनली के कैमियो की। तो मूवी की डायरेक्टर्स कमेंट्री में जेम्स गन ने बताया कि लास्ट में जो लैम शैंग का कैरेक्टर था जिसके लिए मोशन कैप्चर खुद जेम्स गन ने दिया है उसकी वॉइस ओवर स्टैनली को देनी थी। अब मूवी भले 2023 में आई हो लेकिन जेम्स गन ने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट जून 2018 में कंप्लीट कर लिया था, जिसके तुरंत बाद डिज्नी ने उन्हें फायर कर दिया और उसी साल स्टैनली गुजर गए। वैसे पहले हर मार्वल मूवी में स्टैनली के कैमियो के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते थे। अगली न्यूज है कि एलिजाबेथ ओल्सन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इस म्यूटेंट थिंग को एमसीयू में पूरी तरह से फिगर आउट करना चाहती है, क्योंकि एक्समैन मूवीज उनकी फेवरेट रही है, इसलिए वो जानना चाहती है कि मार्वल इसको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि एमसीयू में नेक्स्ट टाइम वो कब दिखेंगी तो उन्होंने कहा इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं है, ना ही उन्हें इस बारे में कोई क्लू है कि मार्वल करेंटली किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जेम्स गन ने यह भी बताया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो लेजेंडरी स्टार लॉर्ड के रिटर्न के बारे में टीज किया गया था तो उसके बारे में उन्होंने क्रिस प्रैट से डिस्कशन किया था कि इसको लेके एक सोलो मूवी बनाई जाए जिसमें स्टार लॉर्ड अर्थ के तौर तरीकों को अडेप्ट करता हुआ दिखे। अब गार्डियंस मूवी की सक्सेस को देखकर ये आइडिया भले ही अच्छा लग रहा हो लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नियर जीरो है, क्योंकि इस मूवी में मजा तभी आएगा जब इसे जेम्स गन बनाए, लेकिन अब वो तो डीसी के नए सिनेमेटिक यूनिवर्स को संवारने में लगे हुए हैं, तो इसीलिए लेजेंडरी स्टार लॉर्ड लौटेगा जरूर लेकिन किसी और एमसीयू क्रॉसओवर में। नेक्स्ट अपडेट है शैंगची 2 के बारे में। तो एक्ट्रेस सिमु लियू ने बताया कि मार्वल वालों ने उनसे कहा है कि शैंगची 2 एवेंजर्स के बाद रिलीज की जाएगी। अब एवेंजर्स तो दो आने वाली हैं, द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स, तो किस एवेंजर्स मूवी की बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन 2026 में 24 जुलाई और 6 नवंबर दो ऐसी डेट्स हैं जिसमें मार्वल की दो अनटाइटल्ड मूवी रिलीज होंगी, तो हो सकता है इन्हीं में से किसी एक में शैंगची 2 भी हो। अब गार्डियंस वॉल्यूम 3 मूवी के लास्ट में विलन हाई विजनरी का क्या हुआ था ये क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन अभी मूवी के डिलीटेड सीन में दिखाया गया है कि रॉकेट ने उसको नोवेयर में ही एक प्रिजन में कैद कर दिया है। इससे पहले जेम्स गन कंफर्म कर चुके हैं कि वो सर्वाइव कर गया था मूवी में, और कुछ ब्लर्ड फोटोज में ट्रैक्स उसको कैरी करके ले जाता हुआ भी दिखा था, तो इसका मतलब ये है कि हाई विजनरी आगे भी एमसीयू में भी दिखता रहेगा। नेक्स्ट डिटेल डेडपूल 3 में डेडपूल के नए और अपडेटेड सूट की है जो पुराने वाले के कंपैरिजन में ज्यादा ब्राइट और सैचुरेटेड लग रहा है। कुछ छोटी मोटी चीजों को छोड़कर सूट पुराने वाले जैसा ही है, बस कलर थोड़ा और ज्यादा ब्राइट और सैचुरेटेड लग रहा है। नेक्स्ट न्यूज डॉक्टर स्ट्रेंज के एमसीयू में रिटर्न को लेकर है। तो एक्टर बेनेडिक्ट कंबरबैच ने बताया है कि वो नेक्स्ट ईयर एज डॉक्टर स्ट्रेंज शूटिंग करने वाले हैं। अब हो सकता है कि द कैंग डायनेस्टी के लिए सीन्स हों बट वो तो डिले हो गई, तो हो सकता है कि अगाथा कोवेन ऑफ केओस या फिर मिस्टिकल सीरीज
आयन हार्ट के लिए कुछ सीन्स हो। अगली न्यूज है अगाथा द कोवन ऑफ कियोस से, जिसमें मिसेस हार्ट का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने बताया है कि मार्वल वाले इस शो को वांडाविजन के सेकंड सीजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये सेम मिसेस हार्ट का रोल प्ले करेंगी और ये सीरीज 2024 में आएगी। अभी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एंसन मॉन्ग, जो कि मार्वल में ब्लैक बोल्ट प्ले कर चुके हैं, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दिखे थे, उन्होंने बताया है कि मार्वल वालों से उनकी बातचीत चल रही है वापस से एमसीयू में रिटर्न करने के लिए। लोकी सीरीज में मॉबियस का रोल प्ले कर चुके एक्टर ओविन विल्सन ने बताया है कि लोकी सीजन 2 में मॉबियस की बैक स्टोरी को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा। जेम्स गन ने बताया कि डीसीयू में सुपरमैन की एज डेविड कोरंसवेट की एज के बराबर ही होगी, यानी कि 30-31 साल के आसपास, और ये मूवी एक वर्कप्लेस ओरिजिन मूवी की तरह होगी, जहां पर क्लार्क केंट के पास्ट को भी और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये बाकी सुपरमैन ओरिजिन मूवीज से अलग होगी। नेक्स्ट न्यूज भी सुपरमैन लीगेसी से ही है। तो मूवी में नए सुपर हीरोज के लिए एक्टर्स कास्ट किए गए हैं। इजाबेला मर्सिड को हॉक गर्ल के लिए, एक्समैन मूवी में काम कर चुके एडी गैथिकी को मिस्टर टेरिफिक के लिए, एंथनी कैरिगन को मेटामॉर्फो के लिए, और जेम्स गन की और भी मूवीज में काम कर चुके नेथन फिलियन को गाई गार्डनर के लिए कास्ट किया गया है। गाई गार्डनर मूवी में भी कटोरा कटिंग हेयर स्टाइल में ही दिखेगा। अब ऐसे है तो एक सुपरमैन मूवी, बट इसमें और भी कई सारे सुपर हीरोज होने वाले हैं, जिसके लिए जेम्स गन ने क्लेरिफाई किया है कि ये एक सुपरमैन वर्कप्लेस ओरिजिन मूवी है, जहां उसका एज क्लार्क केंट, लुइस लेन और जिमी ओल्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और दूसरी तरफ एज सुपरमैन अदर सुपर हीरोज के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इस पर भी फोकस किया जाएगा। अब स्टार वॉर्स यूनिवर्स की बात करें तो डिज्नी प्लस की अपकमिंग असोका सीरीज की टाइमलाइन द मैंडलोरियन सीजन 3 के अराउंड ही सेट होगी, और इसके फर्स्ट 2 एपिसोड्स 23 अगस्त को डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होंगे। इसके अलावा जेम्स मैंगोल ने बताया कि उनकी कैंसर्ड बोबा फेट मूवी बॉर्डरलाइन आर रेटेड होने वाली थी, बिल्कुल वेस्टर्न फील देने वाली। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर के लिए हम सभी लोग एक्साइटेड तो हैं, और अभी उन्होंने रिसेंटली ये बताया है कि उनकी मूवी ओपेनहाइमर में 0 CGI शॉट्स हैं, मतलब बिल्कुल भी CGI का यूज नहीं हुआ है। न्यूक वाले सीन के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज किए गए हैं। वैसे भी क्रिस्टोफर नोलन की ये स्किल्स हम पहले देख चुके हैं, जहां पर वो प्रैक्टिकल सेट्स और मेथड्स पर ज्यादा भरोसा करते हुए आए हैं। इसके अलावा सक्सेसफुल एनिमेटेड सीरीज इनविंसिबल के सीजन 2 के बारे में हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अपडेट किया जाएगा। अगली न्यूज अपनी इंडियन मूवी प्रोजेक्ट के से रिलेटेड है। तो प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर से भरपूर इस मूवी का टाइटल और कुछ ग्लिम्स US के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रेजेंट किए जाएंगे। ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन मूवी होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये साइंस फिक्शन फिल्म हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड होगी, जिसमें कमल हसन विलन प्ले करेंगे। मूवी 2 पार्ट्स में आएगी, जिसका फर्स्ट पार्ट 12 जनवरी 2024 को आएगा, और मेकर्स के अकॉर्डिंग ये इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स भी स्टार्ट करेगी। तो उम्मीद यही है कि जितना ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है उतना असलियत में भी हो। अब लास्ट कुछ दिनों से इस चैनल के अलावा ब्लू एस्बर इंडिया पर भी एक्टिव होने का सोच रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग इंडियन मूवीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और अभी मैंने जवान मूवी के प्रीव्यू का रिव्यू भी वहाँ पर अपलोड किया है, तो इसीलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। तो ठीक है, अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर डालो और सब्सक्राइब कर डालो इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू एस्बर।